दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि रैंसमवेयर होता क्या है और अगर ये एक बार आपके कंप्यूटर में आ जाए तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैंसमवेयर की कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों, रैंसमवेयर एक तरीके का मालवेयर होता है जो अगर आपके कंप्यूटर में एक बार इंस्टॉल हो जाए किसी भी तरीके से, तो आपकी कंप्यूटर की जितनी भी फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सबको इनक्रिप्टेड फॉर्म में इनक्रिप्ट कर देता है ताकि आप उसे खोल नहीं पाओगे। मतलब जब भी आप उस पर क्लिक करोगे वो ओपन नहीं होगा। उसके लिए आपको एक स्पेशल की चाहिए जिसके थ्रू आप उसे डिक्रिप्ट कर सकते हो, और वो की उस हैकर के पास होगा जिसके थ्रू वो रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में आया है, मतलब जिसने उस रैंसमवेयर को बनाया है। तो उसके लिए आपसे पैसा मांगा जाता है, तभी आपको डिक्रिप्शन की है वो दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो रैंसमवेयर एक ऐसा चीज़ है वो आपके डिजिटल प्रोडक्ट की किडनैपिंग कर लेता है और उसके लिए आपसे फिरौती मांगता है, जिसे हम कहते हैं रैंसम। और रैंसम का मतलब भी होता है फिरौती। तो जैसे मूवी में अगर आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे जो भी गुंडे मवाली होते हैं किसी को अगवा कर लेते हैं, फिर उससे मतलब जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनसे फिरौती मांगते हैं कि 2 करोड़ 10 करोड़, मतलब जितना जिस हिसाब से अपना देखते हुए वो सब करते हैं। तो ये चीज़ होता है आपके रियल लाइफ में। वही आपके डिजिटल लाइफ में बात करें, जो आपके डिजिटल प्रोडक्ट की जो किडनैपिंग होती है उसे ही कहते हैं रैंसमवेयर। ठीक है, तो यही चीज़ है। और आपको अगर इसे रिमूव करना है किसी भी तरीके से, अगर आपके कंप्यूटर में आ गया है और आपके सारे फाइल्स फोल्डर सब लॉक हो गए हैं, तो उसे आप कैसे डिक्रिप्ट करोगे ताकि वो फाइल पहले की तरह ओपन हो लगे। लेकिन कुछ केस में होता क्या है कि जैसे किसी का इंपॉर्टेंट फाइल्स है, उसका बैकअप नहीं ले रखा है वो, और वो फाइल इनक्रिप्टेड फॉर्म में इनक्रिप्ट हो चुका है, और उसको मतलब डिक्रिप्ट करने के लिए स्पेशल की चाहिए जो कि हैकर के पास है, और आपके पास यही एक ऑप्शन बचता है कि भाई मैं उस फिरौती को जो भी मांग रहा है जो रैंसम, मैं उसे पे कर दूँ। और ये अगर आप एक बार ऐसा कर दोगे, क्योंकि तो कोई इस बार का सिक्योरिटी नहीं है कि वो आपको इंक्रिप्शन की का जो मतलब इंक्रिप्ट फाइल है उसका डिक्रिप्शन की देगा ही देगा, और हो सकता है आपका पैसा भी चला जाए और आपका डेटा भी चला जाए। तो दोनों चीज़ को सेव करने के लिए या तो आप पहले से बैकअप बना के रखो उस फाइल की, तो आप इजीली वापस से पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट कर सकते हो और फिर से इंस्टॉल कर सकते हो, तो आपका सारा डेटा बैकअप से रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी उस डेटा का बैकअप नहीं है ताकि आप उसे बाद में रीस्टोर कर पाओ, तो मैं आपके स्टूडियो में बताने वाला एक टूल के बारे में जिसकी मदद से आप इजीली उस इनक्रिप्टेड फाइल को डिक्रिप्ट कर सकते हो। वो जो टूल है बिल्कुल फ्री है, फ्री टू यूज़ है सबके लिए, और उसे आप कैसे यूज़ करोगे मैं आपके स्टूडियो में बताने वाला। तो जाने के लिए इस वीडियो क्लास तक जरूर देखना। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उस टूल का नाम और उसको कैसे यूज़ करना है, वो भी आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो जैसे जब भी अगर कोई भी रैंसमवेयर अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, कुछ इस तरीके से आपकी जो फाइल होती है उसके आगे कुछ एक नया एक्सटेंशन लग जाता है, और यही होता है इनक्रिप्शन जो भी आपके फाइल या फोल्डर का होता है। लेकिन उसके लिए जस्ट आप पहले मैं आपको दिखा दूँ, जिस इस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया ही था जो साइबर स्वच्छता केंद्र है, जहाँ पे आपको बहुत सारे अलर्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे नए नए तरीके के जो रैंसमवेयर है वो आ रहा है, जैसे कॉन्टी रैंसमवेयर है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका एक्सटेंशन आप देखते हो .conti सब में सारे फाइल में लग चुका है। तो ये एक इनक्रिप्शन है और यहाँ पे देख सकते हो इसका अपडेट ये 20 में ही आया था, मतलब 20 जुलाई को आया था 2020 में। तो कुछ इस तरीके से आप ये देख सकते हो, ये एक स्पेशल जो इनक्रिप्शन जो है एक्सटेंशन वो सभी फाइलों में आपके लग जाएगा, चाहे वो JPG फाइल हो, चाहे PNG फाइल हो, कोई भी फाइल हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस पर, और हो सकता है आपका जो CPU का यूजेज है वो भी बढ़ जाए ऑटोमेटिक तरीके से, हालांकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें आप उसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा, और ये एक तरीके की वेबसाइट है जहाँ पे आप सभी अलर्ट्स या मालवेयर जितने भी बॉटनेट होते हैं उनके बारे में आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। जो भी रैंसमवेयर नए नए आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं मार्केट में, सभी की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट एक क्विक हेल का ही एक प्रोडक्ट, मतलब एक टूल है जिसका नाम है, जैसे आपको यहाँ पे सर्च करना है क्विक हेल फ्री टूल, जस्ट यहाँ पे सर्च करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो फ्री रैंसमवेयर डिक्रिप्शन टूल यहाँ पे लिख रहा है। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके आप ऑफिशियल साइट पे चले जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो रैंसमवेयर के बारे में कि है क्या चीज़ और उसके बारे में क्या ये करता है, वो थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन पढ़ सकते हो। और जस्ट यहाँ पे उसका जो डाउनलोड मतलब जो है वो नीचे आपको डाउनलोडिंग जो है वो टूल का वो लिंक मिल जाएगा, और उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऐसे ऐसे रैंसमवेयर हैं जिनका एक्सटेंशन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का एक्सटेंशन अगर आपके किसी भी फोल्डर में लगा हुआ है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कुछ ये सारे जितने भी एक्सटेंशन है डॉट एक्सटेंशन है, ये अकॉर्डिंग टू रैंसमवेयर उसके नाम के अनुसार ही एक्सटेंशन होते हैं।
और या फिर एक लाइक लास्ट में ये भी है, जिस तरीके अगर आपको कोई नया दिख रहा है तो आप जस्ट वो उसका नाम वो उसके कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जस्ट अभी हम इसे डाउनलोड करते हैं और ये एक 35 MB का छोटा सा एक एप्लीकेशन है, मतलब ये टूल है। जस्ट मैंने पहले से इसे डाउनलोड कर रखा था, जस्ट मैं इसे डायरेक्टली सीधे ओपन करता हूँ एक्सट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर जिसमें ये फाइल है और इसे मैं एक्सट्रैक्ट टू करता हूँ, ये भी मैंने कर रखा, तो जिसमें फोल्डर में चला जाता हूँ जहाँ पे मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये फोल्डर आप देख रहे हो, तो इसे इस ये जो फोल्डर है इसे उसी इनक्रिप्टेड वाले फोल्डर में या किसी भी ड्राइव में रखना है, जो भी फाइल जहाँ पे इनक्रिप्टेड है। अगर ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाके इसे रन कर देना है। रन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सी कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, और पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है और जितने भी एक्सटेंशन जो होते हैं जिसमें कि ये इस तरीके का अगर कोई भी एक्सटेंशन है तो ये जो टूल है वो ईजिली उसे डिक्रिप्ट कर सकता है। जैसे आपको यहाँ पे वाई का ऑप्शन मतलब प्रेस करना है इसको स्कैनिंग स्टार्ट करने के लिए, तो जहाँ आप वाई प्रेस करते हो तो होता क्या है कभी कभी कि जहाँ अगर इनमें से कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो वो आपसे खुद एक्सटेंशन मांगेगा, ठीक है। मतलब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है, लाइक यहाँ पे मैंने .conti वाला जो लिखा है, अगर स्कैनिंग करने पे अगर इसको नहीं मिलता है कोई भी ऊपर वाले एक्सटेंशन को, तो वो पूछेगा कि आपका कौन सा जो इनक्रिप्टेड फाइल का एक्सटेंशन है, वो आपको बस डाल देना है। और जस्ट उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाला है, और डालने के बाद ये अपना स्टार्ट कर दिया स्कैनिंग। और कुछ इस तरीके से जितने भी आप देख रहे हो स्कैन कर रहा है, इनक्रिप्टेड भी स्कैन कर रहा है, बट जो भी फाइल्स है वो सारे फेल्ड जा रहे हैं, क्योंकि भाई मेरा तो कोई इनक्रिप्टेड है ही नहीं फाइल। तो आप देख सकते हो ये जो सी ड्राइव का जितने भी फाइल्स फोल्डर्स हैं उन सभी को ये चेक कर रहा है और सब में एरर शो कर रहा है, क्योंकि जो वो जो मेरा फाइल था वो सी ड्राइव में बाय डिफ़ॉल्ट था, मतलब मैंने सीधे डाउनलोड फोल्डर से किया था, तो डाउनलोड फोल्डर सी ड्राइव के अंदर ही आता है। तो आपका जो भी इनक्रिप्टेड फाइल जिस भी ड्राइव में होगा उसी ड्राइव में इस सेटअप को रखना और फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे करके इसे रन करना, डेफिनेटली ये वर्क करेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इजीली आप अपने भी इनक्रिप्टेड फाइल को जितने भी हैं आप उसे रिमूव कर सकते हो। तो कुछ ऐसे ही आपको करना है अपने अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल इनक्रिप्टेड हो गई है किसी भी रैंसमवेयर के थ्रू, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड्स उसने कोई रिकवरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था और उसको रिकवरी सॉफ्टवेयर के जगह एक रैंसमवेयर मिल गया और उसी रैंसमवेयर को वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया कि सोच के भाई मैं रिकवरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उसकी जितनी भी ड्राइव के फोल्डर थे, फाइल्स थे, सब फोटो इमेज सब कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया और उसके बाद कोई बैकअप नहीं था, तो सीधे अपना कंप्यूटर है सीधे फॉर्मेट ही कर दिया और उसके कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स थे, फोल्डर्स थे, जो भी डेटा थे वो सारे के सारे खत्म हो गए फॉर्मेट करने के बाद। तो अगर आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में और वो एक रैंसमवेयर निकल जाता है, उसकी वजह से आपके सारे भी फाइल्स फोल्डर सब इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाते हैं, तो उसे आप डिक्रिप्ट करना है तो जस्ट आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो जो कि क्विकहिल की ओर से आता है। और इसकी वजह से आपका जितने भी इनक्रिप्टेड फाइल्स वाले होंगे वो सारे के सारे डिक्रिप्ट हो जाएंगे और पहले की तरह जो भी आपका डेटा वो वापस से शो होने लगेगा। तो दोस्तों बस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर भी करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ।